जमशेदपुर में सड़क मार्ग के रास्ते मछली लदे पिकअप वाहन से मानगो पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले संकोसाई रोड नंबर 1 निवासी सनातन गोराई और झाड़ग्राम के बीनपुर थाना क्षेत्र निवासी संजय कोटाल को गिरफ्तार किया था। सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मछली लदा पिकअप मानगो चौक के पास खड़ा है, जिससे ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। पुलिस द्वारा एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से जेब में 100 पुड़िया ब्राउन शुगर और पिकअप से 120 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 27.97 ग्राम है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 60,000 से 70,000 रुपया की गई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि सनातन ही तस्करी करता है। दोनों मछली को झाड़ग्राम के राजनगर से ला रहे थे और रास्ते में ही ब्राउन शुगर भी खरीदा था। पुलिस को ब्राउन शुगर बेचने वाले की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस के मुताबिक इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। जल्द ही इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। एक झारखंड का रहने वाला था और एक ये का लोकल था, तो दोनों से करीब 100 पुड़िया ब्राउन शुगर हमें मिला। और इसके अलावा गाड़ी का जब तलाशी लिया गया तो उसमें भी करीब 120 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला था। तो इसमें पता चला कि झारखंड से ये लोग ले आते हैं और ला के बहुत अच्छे से खरीद बिक्री कर रहे थे। तो इस पर सटीक सूचना मिला तो 1,00,000 का दे दी। इसका मार्केट वैल्यू करीब 80,000 होगा और सबको दोनों का न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे फिर विधिवत कार्रवाई कीजिए। सर, किसको इलाकर ये ब्राउन शुगर देता था यहाँ पर? ये अभी पूछताछ में कुछ लोगों का नाम आया है, लेकिन क्योंकि ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम नाम अभी किसी का रिवील नहीं करेंगे। जब बाकी लोगों को पकड़ते हैं और उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी और आपको अपडेट किया जाएगा। इसके जरिए धंधा रुकेगा ये ब्राउन शुगर का, जिस तरह से बढ़ा हुआ है? ये एक आदमी नहीं है जो ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहा है, इसके अलावा और भी पार्टी हैं। जैसे ही सूचना मिलता है घर के आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी थोड़ा बहुत इनका नुकसान हुआ होगा तो उसकी मदद उस हद तक कारोबार कम हो सकता है, लेकिन एक आदमी के पकड़ाने से बंद हो सकता है ये हम नहीं बता पाएंगे। पुलिस तो दिन भर 24 घंटा आपके सेवा में लगा हुआ है और जैसे ही सूचना मिलता है, सटीक सूचना मिलता है, तुरंत आप चाहे रात को 2 बजे हो या सुबह दिन का 10 बजे हो, 24 घंटा पुलिस आपकी सेवा में तैनात है। ये क्योंकि सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक सोशल इविल है। हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी अगर आपको सूचना मिलता है तो आप तुरंत पब्लिक को पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपका आइडेंटिटी गुप्त रखा जाएगा, कभी ये ना सोचें कि कम हमारा नाम बाहर आ जाएगा। लेकिन जब तक पब्लिक प्रोएक्टिवली आके काम आगे बढ़ के नहीं सूचना देंगे तो उस हद तक रोका नहीं जा सकता जितना हम चाहते हैं। पुलिस का अपना इन्फॉर्मर नेटवर्क है, हम काम करते हैं और हम रोकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर पब्लिक भी पुलिस के साथ दे तो बहुत ही बड़े लेवल पर काम हो सकता है और ब्राउन शुगर पर एकदम खत्म ही कर सकते। इसमें भी कोई इसका भी सूचना कोई आम आदमी ही दिया? सर, आदित्यपुर फेमस था ब्राउन शुगर के मामले में, अब झाड़ग्राम दूसरे अन्य जगह से भी आ रहे हैं। अब आदित्यपुर ब्राउन शुगर के यूसेज के लिए फेमस था, वो बाहर से जहाँ से भी आता था वहाँ पे बिक्री होता था। आदित्यपुर में प्रोडक्शन यूनिट कम है, मेन प्रोडक्शन यूनिट बाहर से होता। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।